सबको जय मसीह की। आज की आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन को परमेश्वर जीवित जिंदा परमेश्वर पर के नाम से आपको जय मसीह की। आज परमेश्वर हमारे बीच में हैं, इसका वायदा है दो या तीन उसके नाम से जहां पर भी इकट्ठे होते हैं वहां वो मौजूद होता है। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी हमारे निकट आएगा। हमें उसके नज़दीक आना है, अपने मनों को तैयार करना है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आए और हम उसकी आराधना करें। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में आता है, हमें स्पर्श करता है, हमें आशीष देता है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गीतों को गाएं। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवार के दिन परमेश्वर तूने परमेश्वर हमें इकट्ठा किया। परमेश्वर आज ऑनलाइन से जुड़े हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे सन्निधान में लेकर आते हैं। परमेश्वर तू महान और सच्चा परमेश्वर है, परम पवित्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर, एकमात्र अधिपति है। हालेलुया, तूने आकाश और पृथ्वी की रचना की और परमेश्वर हमें भी बनाया, परमेश्वर अपने हाथों से बनाया परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तू महान और सच्चा है परमेश्वर, सत्य मार्ग और जीवन तू है, अल्फा और ओमेगा तू है परमेश्वर। हालेलुया, आज के इस परमेश्वर ईस्टर के बाद जो पहला रविवार तूने हमें दिया है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम जीवित हैं तो ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। महामारी के इस दिनों में परमेश्वर तू हमें संभाले हुए है, सुरक्षित रखा है, तूने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है परमेश्वर। आज परमेश्वर जो भी परमेश्वर आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ा है परमेश्वर, हालेलुया, सबके घरों में तू उपस्थित रहे परमेश्वर, सबको आराधना को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। शुरू से लेके अंत तक तेरी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तू जुम्बिश कर परमेश्वर, इधर परमेश्वर जहां कहीं भी परमेश्वर आराधना हो रही है वहां पर उतर कर आकर परमेश्वर तब सबको स्पर्श कर, एक जागृति की लहर को तू भेज परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह कर, दया और करुणा तेरी परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे ऊपर होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, गीतों में तू विराजमान रहे परमेश्वर, वचनों के द्वारा तू हमारे साथ बातचीत कर परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, तू ही महिमा पा, सारी आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे, ताली बजाकर गाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, यीशु मसीह जो कि सच्चा परमेश्वर है, हमारे खातिर उसने इस संसार में आकर यात्राएं और दुख सहा, कष्ट सहा, क्रूस की मृत्यु सही, क्रूस पर उसने जय पाया। हालेलुया, और उसका प्यार इतना अनोखा है, इतना महान है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया, उसकी जय जयकार करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।
आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ताली बजा के गाएंगे जय जयकार करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। जैसे मरियम ने और उसकी सहेली ने जाकर चेलों को गवाही दी थी कि हमारा खुदा जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग अपने पड़ोसियों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने गली मोहल्ले में, अपने दफ्तरों में, अपने व्यवसाय के जगहों में लोगों को बताएं कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, आज भी जिंदा है और बड़े बड़े काम करता है, अद्भुत चमत्कार करता है, उसको हम बताएं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमें जीवित रखा है, उसका नाम इतना प्यारा है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, उसका नाम इतना सुंदर है, उसका नाम कितना पावन है। मिलके गाएंगे हालेलुया, मनों को परमेश्वर की तरफ लगाएंगे। हालेलुया, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा,
तुझमें मिला है आनंद जीवन, तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है आनंद जीवन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, उसका नाम सुंदर है। उसके द्वारा हमें क्षमा मिलती है, उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। जीवन का स्रोत यीशु है। हालेलुया, वही सत्य मार्ग और जीवन है। हालेलुया, उससे हमें कृपा मिलती है। आज के दिन उसकी पुनरुत्थान के पहले सप्ताह, उसके बाद के पहले सप्ताह में, हालेलुया, परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को महसूस करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आए, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, वो महान और सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करें। वो भला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, उसकी स्तुति करें। जहां हम उसकी स्तुति करते हैं, हमारे बंधन टूट जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल निकलता है। हालेलुया, स्तुति करें, धन्यवाद करें, वो भला है। हालेलुया, 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 धन्यवाद करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें आंखों को बंद करके। हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया, जब भी हम गिरते हैं वो हमें उठाता है, हमारी निर्बलता में वो हमारा सामर्थ बनकर मदद करता है। हालेलुया, इतना भला परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति करें, उसकी महिमा करें। पूरा बा शंदरा बाला, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं,
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले लूया हाले लूया हाले लूया हाले हाले लूया हाले लूया हाले लूया। धन्यवाद करें, हाले लूया हाले लूया। उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, सारे जहां में उसका जैसा कोई परमेश्वर नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है, वो है यीशु। एक बार और गाएंगे, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले हालेलुया। महान है परमेश्वर हमारा, हालेलुया हालेलुया। सारे बंधन तोड़ देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करें धन्यवाद करें। हमें अनंत के लिए तैयार कर रहा है उसका धन्यवाद करें, हालेलुया। आज हमारे इस आराधना में परमेश्वर उपस्थित है, हालेलुया। सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, अपने मनों को परमेश्वर की तरफ केंद्रित करें, अपनी समस्याओं को ध्यान में ना लेकर आए। जो भी कमियां हैं, जो भी जरूरतें हैं, उन सबको भूलकर परमेश्वर को निहारें, हालेलुया। उसका जैसा कोई परमेश्वर नहीं, उससे सब कुछ संभव है, हालेलुया। धन्यवाद करें धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हुई इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन दिनों में जब हम परमेश्वर महामारी के दूसरी लहर को सामना कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक भाई बहन को परमेश्वर तू मदद कर परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना का जीवन दे, तेरी उपस्थिति के साथ जीवन बिता सकें तू ऐसा अनुग्रह कर। जब भी वे लोग अपने कामों में जाते हैं, अपने दफ्तरों में अपने व्यापार में जाते हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह का हाथ तेरी उपस्थिति उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। सबकी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर सब लोग परमेश्वर अद्भुत कामों को देख कर, तेरे परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को देख कर तेरी महिमा कर सकें, लोगों को बता सकें कि तू जिंदा है। परमेश्वर तेरी उपस्थिति हर एक के घरों में आए। इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो भी बीमार है उनको तू स्पर्श कर परमेश्वर, जो परमेश्वर डरा हुआ है उनको परमेश्वर डर से बाहर निकाल परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। तू जिंदा परमेश्वर है, सब लोग इस बात को अनुभव कर सकें तू ऐसा कर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, वचन के द्वारा लोगों से बातचीत कर, सबको आशीष दे इन अंतिम दिनों की शुरुआत में परमेश्वर, हम लोग तेरे लिए तैयार हो सकें, तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम कर सकें। हमें इस्तेमाल कर, हमें तेरी आत्मा से भर, तेरे आत्मा के चलाए चल सकें परमेश्वर, तेरे आत्मा के भाव में हम परमेश्वर बह सकें। तू हमारी मदद कर परमेश्वर, तू हमारे साथ रह परमेश्वर। आए के सारे कार्यक्रमों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तू ही चला। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। सबको जय मसीह की। आगे के कार्यक्रम को ध्यान से देखें, सूचनाओं को ध्यान से देखें, और उसके बाद संदेश आ रहा है उसको भी आप ध्यान से देखें। परमेश्वर सबको आशीष देगा, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज के इस शुभ रविवार के दिन
परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया है आराधना के द्वारा, हमारी समस्याओं का हल दिख रहा है, हमारे सामने है। परमेश्वर समस्याओं से हमें दूर हटा रहा है, हमारे जीवन में आशा की किरण जगी है, हमें जो है आनंदित करने के लिए परमेश्वर जी उठा है। आज हमारा जी उठा, परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे आज उसकी उपस्थिति के लिए। अभी तक जो गीतों को गाए, परमेश्वर की महिमा हुई। अब हम सूचनाओं को देखेंगे, स्क्रीन पे आ रहे सूचनाओं को ध्यान से देखें। इस सप्ताह होने वाले कार्यक्रमों को जो है ब्यौरा स्क्रीन में आ रहा है। हम लोग इन महामारी के दिनों में आराधनालय में नहीं आ रहे हैं, कलीसिया नहीं आ रहे हैं, हम लोग घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन के द्वारा, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में जिसका प्रावधान है, वे लोग इसको इस्तेमाल करके जूम ऐप के द्वारा हम लोग आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और जो है आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम इन दिनों में इस एप्लीकेशन के द्वारा हमारे बीच में कर रहा है। ध्यान से देखें परमेश्वर की सूचनाओं को, जो स्क्रीन में आ रहे अनाउंसमेंट्स को, स्क्रीन में जो आ रही है उनको हम ध्यान से देखें। यदि आपके कोई प्रार्थना का अनुरोध है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग नोट कर लें, 8144268056, 8144268056। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं प्रार्थना के लिए और किसी भी बात के लिए। यदि आप सेवकाई में भाग लेना चाहते हैं, कलीसिया की आराधना में भाग लेना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों को आशीष देगा। अब मुझसे संपर्क करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। अब हम संदेश की तरफ बढ़ेंगे। ईस्टर के रविवार के दिन परमेश्वर ने हमें वास्तव में पुनरुत्थान के सामर्थ्य से भर कर हमें चलाया, और इन दिनों में, वर्तमान दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति, वर्तमान दिनों में पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवनों में काम कर रहा है, और हम परमेश्वर के इस पुनरुत्थान के कारण आशीषित हैं। हालेलुया। कितने लोग हम में से जो है परमेश्वर के काम के लिए समर्पित किए हैं। बहुतों ने इन दिनों में बपतिस्मा लिया है, बहुत से सेवकाइयों में जो है बढ़ोतरी हुई है, परमेश्वर कार्य कर रहा है इन दिनों में। हालेलुया। आइए हम लोग संदेश में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। परमेश्वर तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। तूने हमें चुन लिया है परमेश्वर, हालेलुया, इसे धन्यवाद करते हैं। तू यहोवा यीरे है, यहोवा शम्मा है, यहोवा शालोम है परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हालेलुया हमारी अगुवाई हर रोज हमारे जीवन में करता है परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया, इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, तू परमेश्वर हमारे साथ बोल और बातचीत कर, ताकि हम तेरे वचनों को परमेश्वर हम अपने जीवन में रख कर परमेश्वर उसको लागू कर सकें और आशीष पा सकें। परमेश्वर सबको आशीष दे। एक जागृति की लहर को परमेश्वर इन दिनों में, परमेश्वर कलीसिया में, परमेश्वर
हमारे विश्वासी भाइयों के बीच में, सेवकों के बीच में लेकर आ परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह कर परमेश्वर, सेवकाई बढ़े परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी महिमा हो। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाते हुए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आई वचन में से पढ़ें, मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय चौथा वचन, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय चौथा वचन। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डर, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसके उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह के पार्थिव शरीर को देखने के लिए मरियम और उसकी सहेली आई कब्र पर, और उसको ना पाकर परेशान हो गई। तो स्वर्गदूत उनको दिखा और उन्होंने, स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। आज परमेश्वर यीशु मसीह जिस मकसद से आया था वो पूरा करके जी उठा है। उसने मृत्यु पर जय पाई, उसने मृत्यु को जीत लिया है, जो हमारा आखिरी शत्रु है मृत्यु, उसको यीशु मसीह ने जीत लिया है। शैतान पर जय पाई है, शैतान पर अधिकार पाया है, यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है। हालेलुया, और वो जी उठा है, आज हमारे बीच में है। और सबसे पहले सुसमाचार सुनाने के लिए मरियम और उसकी साथ जो स्त्री थी वो गई, और उन्होंने जाकर चेलों को सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह जी उठा है। आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो जी उठा है, और जो है हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। हालेलुया, आज घरों में बैठ के हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। सब लोग ये जान लें कि यीशु मसीह जी उठा है और हमारे बीच में है। आज हम पुनरुत्थान के लाभ के बारे में जानेंगे, तीन बातों को जानेंगे। पुनरुत्थान से हमें क्या लाभ होता है, पुनरुत्थान, जी उठना, मरने के बाद जी उठना, उसे पुनरुत्थान कहते हैं। सबसे पहला, हमें वायदा करता है, पुनरुत्थान हमें वायदा करता है कि बीते हुए पापों से क्षमा, बीते हुए हमारे जीवन में जो भी पाप हैं उससे परमेश्वर ने हमें क्षमा दी है। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और फिर गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। कहेंगे कि क्रूस की मृत्यु से हमें क्षमा मिलती है, क्रूस की मृत्यु से क्षमा मिलती है, लेकिन पुनरुत्थान से हमें क्षमा मिलती है और अनंत जीवन मिलता है, हमें उसका आश्वासन मिलता है कि हम जी उठेंगे। परमेश्वर हमारे खातिर जो है उसने दुख सहा, कष्ट सहा, और जो है दफनाया गया, वो तीसरे दिन वो जी उठा। उसको जो है मौत भी अपने अपने उसमें नहीं रख पाई, नियंत्रण में नहीं रख पाई, उसको तोड़कर जो है कब्र को तोड़कर वो जी उठा, मृत्यु पर जयवंत हुआ यीशु मसीह। इस बात को हम, एक लाभ है हमारे लिए, वायदा करता है कि हम, ये पुनरुत्थान हमें वायदा करता है कि बीते हुए पापों से हमें क्षमा मिलती है। बीते हुए जीवन में जो भी पाप हैं, जो भी हमने पाप किए हैं, गलतियां किए हैं, हमारे पूर्वजों के पाप हैं, उन सबको परमेश्वर जो है मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हमें जय मिलती है। हमें वायदा मिलता है कि हमें जो है पापों, जो भी पाप हमने किए उसकी क्षमा, माफ़ी मिलेगी, और जो है हम जो है जी उठेंगे। हालेलुया, जी उठेंगे और हमें अनंत जीवन मिलता है। लोग जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया था,
चेलों के दिमाग में था कि अब तो सब बात खत्म हो गई, कुछ भी दिख नहीं रहा है, परेशान थे वे लोग। लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, उसने मौत पर जय पाई। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था यूरोप में। उन दिनों में इंग्लैंड में बारिश और धुंध ज़्यादा हुआ करती थी, आज भी ये जो है अक्सर ज़्यादा मिलती है, बारिश ज़्यादा होती है और धुंध होता है। तो उस समय 1815 में संचार का साधन नहीं हुआ करता था, और जो है खबरें जो हैं व्यक्तिगत लोग आके देते थे, खुदा के बताते थे, टेलीग्राम कोई ईमेल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। ऐसे में जो है ड्यूक ऑफ विलिंगटन जो है युद्ध के लिए गया, और जब वो आ रहा था तो दूर से ही क्षितिज में आते हुए जहाज को देखकर लोगों ने उधर बैनर जो लिखा हुआ था उसमें लिखा था विलिंगटन डिफीटेड, यानी विलिंगटन हार गया, क्योंकि धुंध था वो पढ़ने में नहीं आ रहा था। तो लगभग 2 घंटे लगे उस जहाज को किनारे में आने के, लोगों के पास आने के, जमीन के पास आने के। तो जब तक वो पहुंचा तो उसमें देखा विलिंगटन डिफीटेड द एनिमी, उसमें लिखा था विलिंगटन ने दुश्मनों को हरा दिया। हालेलुया। उसी प्रकार ये एक अच्छा उदाहरण है कि लगभग 3-4 घंटे वे उन लोगों ने यही सोचकर रोते हुए मातम मनाते हुए कि हम लोग हार गए हैं किनारे पे बैठ के देखते रहे उस जहाज के बैनर को जिसमें लिखा था विलिंगटन डिफीटेड, विलिंगटन हार गया। उसी प्रकार चेलों ने भी सोचा यीशु मसीह हार गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया। हमारा यीशु मसीह जिसने मृत्यु पर जय पाई, शैतान पर जय पाई, सब कुछ हरा कर जयवंत हो गया, योद्धा के रूप में वो आके खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान और भला परमेश्वर है, वो हमें आश्वासन देता है कि पापों की क्षमा मिलेगी और अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:18 में लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:18, जिसमें लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु मसीह आज जीवित है। हालेलुया। पहला लाभ जो पुनरुत्थान से हमें मिलता है वो है पापों की क्षमा और अनंत जीवन। हो सकता है हमें दिखे कि जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंततः परमेश्वर ने जय की ध्वनि सुनाई थी। हालेलुया। हमें जय की ध्वनि सुनवाई। परमेश्वर इतना महान और भला परमेश्वर है, इतना महान है जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसने हमारे लिए उद्धार का एक मार्ग भी बनाया। भाइयों और बहनों, घरों में बैठे हुए विश्वासियों जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, विश्वास कीजिए, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपको पुनरुत्थान के सामर्थ्य से भरेगा। हमारे बीते हुए पाप, जो भी हमारे जीवन में हमने पहले किए हैं, उन सबको क्षमा करेगा और जो है हमें नया जीवन देगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें जो है गाइड करेगा, हमें लीड करेगा। हमारे हरेक क्षेत्र में, हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र में परमेश्वर जो है अगुवाई करेगा और आपको अच्छी तरीके से चलाएगा, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हमें भरेगा। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य, पुनरुत्थान का जो शक्ति है वो हमें, हमारे जीवन में आ जाता है, और हम लोग जो है
अच्छी तरीके से जो है जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ से भर देता है, हमारे पापों की चिंता हमें करने की जरूरत है, क्योंकि उसने उसे क्रूस के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो है हमें क्षमा कर दिया। पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 4:25, रोमियो की पुस्तक 4:25 जिसमें लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वो मारा गया। मरना किस लिए हुआ? हमारे पापों की क्षमा के लिए वो मरा, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। जिलाया गया का मतलब है जिंदा हो गया, यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे पुराने पापों के लिए वो मरा, उसने कष्ट सहा, दर्द सहा, दुख सहा, और हम धर्मी रहने के लिए, धर्मी ठहरने के लिए वो जो है जिलाया भी गया। हालेलुया, हमारे सारे पुराने पाप क्षमा हो गए हैं उसके पुनरुत्थान के द्वारा। दूसरा लाभ जो हमें मिलता है, हम वर्तमान में जीते हैं। हमारा पुराना तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी हमने जीना है। उसके पुनरुत्थान से हमें आज के दिन में क्या फायदा है? आज के दिन में परमेश्वर सामर्थ देता है कि आज के दिन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना हम कर सकें। पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा हमें आज के दिन के संघर्षों और चुनौतियों को सामना करने का सामर्थ मिलता है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, परमेश्वर हमें चलाता है। फिलिपियों की पुस्तक 4:13 में बहुत अच्छी तरीके से पौलुस कहता है, फिलिपियों की पुस्तक 4:13 में इस प्रकार लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, हर एक परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, हर एक बात का मैं सामना कर सकता हूं, हर समस्या का हल निकाल सकता हूं, हर परिस्थिति में मैं जो है सफलता को लेकर आ सकता हूं। परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने ग्रहण कर लेंगे, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, आत्मिक रीति से हमें चलाता भी है, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में काम करने लग जाता है और हम सब कामों में सफलता को हासिल कर पाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान को के सामर्थ को हम प्राप्त कर लेते हैं। एक सेवक था जो दूसरे देश गया सेवकाई करने के लिए। उधर के लोग काफ़ी घृणित थे, अलग तरीके से यीशु मसीह को समझते थे। इस भाई को बड़ी कठिनाई हो रही थी उधर यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, इस पे ज़्यादा गुस्सा करते थे, इसके विरोध में थे। उधर से एक गांव से एक गांव से दूसरे देश जाने के लिए एक रास्ता था, उस रास्ते से लोग जा रहे थे। सेवक भी उसी रास्ते से जा रहा था कि भाई दूसरी जगह पे जाके प्रचार करें। वहाँ पर रास्ता जो है दुराहे, एक रास्ता जाते जाते दुराहे में बदल गया। वहाँ पर एक बाईं तरफ रास्ता जा रहा था और दूसरा दाईं तरफ। यदि आप एक रास्ते को चुनते, गलत रास्ते को चुन लेते, तो आप जाने वाले जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाते। इसलिए ये जरूरी था कि वो सही रास्ते को चुनते, नहीं तो वो गलत स्थान पर पहुंच जाते। इसलिए वो परेशान हो रहा था, सोच रहा था। उधर किनारे में ही एक बहुत मशहूर व्यक्ति की कब्र थी, जहाँ पर लोग जो है मन्नत मान रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, माथा टेक रहे थे। ये भाई सेवक उधर से गुजरने को था, इसी से पहले वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर बातचीत की। इतने में लोगों से पूछा उसने कि मैं कैसे, कौन से रास्ते से जाऊं, बाईं तरफ से जाऊं या दाईं तरफ से। उधर के लोग ने बोला कि ये देखो,
इधर एक व्यक्ति की कब्र है जहाँ पे लोग मन्नत मांगने के लिए माथा टेक रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, तो आप लोग जो है इधर माथा टेक कर पूछ लीजिए इसी से। तो उसके दिमाग में बात आई, उसने कहा कि ये मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुए व्यक्ति की कब्र पर हम जाके क्या मांगेंगे, वो क्या हमें मार्गदर्शन करेगा। यीशु मसीह जो है जिंदा परमेश्वर है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। इस प्रकार उसने बहुतों को जो है समझाया और बहुतों ने यीशु मसीह पे भरोसा किया और जो है उसने सही मार्ग को चुना और वहाँ आगे बढ़ गया। तो यीशु मसीह जो है जिंदा परमेश्वर है, वो जो है काम करता है आज भी और जो है हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। यही नहीं कि वो पहले हमारे पुराने पापों को क्षमा करता है, वर्तमान में भी आज के दिन भी हमारे जीवन में वो काम करता है, हमारे जीवन में आत्मिक रीति से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, हमें मार्गदर्शन करता है कि कौन से रास्ते में चलें। यीशु मसीह जो है गूंगा नहीं है और निष्क्रिय परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। आज भी उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता है। हमें विश्वास करना है और हमारे जीवन में लागू करना है उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को। आज भाइयों और बहनों, आज के संदेश को देख रहे सबके जीवन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य उतर कर आएगा, यदि आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। तो हमें उस पर भरोसा करना है, निश्चय ही परमेश्वर अपने आत्मा से भरकर आपको मार्गदर्शन करेगा। चाहे कोई भी आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। पुनरुत्थान का सामर्थ आज भी काम कर रहा है, आपके जीवनों में जो है बड़े बड़े चमत्कार करेगा, विश्वास कीजिए। एक पासवान ईस्टर के दिन कलीसिया जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक ही उसकी पत्नी की तबीयत जो है खराब हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई और वो जो है बीमार पड़ गई, बुखार हो गया। सेवक जो है, सेवक को उस दिन ईस्टर का संदेश देना था, वो परेशान हो गया। तुरंत उसने अपनी पत्नी को अस्पताल में ले जाकर दाखिला दिलाया और उसके लिए प्रार्थना की। बहुत दुखी था, बहुत चिंतित था कि मेरी पत्नी को ये क्या हो गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं आज पुनरुत्थान के बारे में संदेश देने जा रहा हूँ और मेरी पत्नी इतनी बीमार है, मरने को सो है, मैं कैसे जाके तेरे पुनरुत्थान के बारे में संदेश दूं। मेरे जीवन में गेत्सेमने का अनुभव हो रहा है। वो बड़ा दुखी था, रोने लगा। एक व्यक्ति ने आकर उसे ढाढ़स बंधाया, उसने कहा परमेश्वर ने मुझे भेजा है तेरे लिए प्रार्थना करूं। उसने प्रार्थना की उसके पास बैठकर और उससे कहा कि तूने आज पुनरुत्थान का संदेश देना है कलीसिया में जाकर। इस प्रकार कह के वो प्रार्थना करके चला गया और उस दिन संदेश में सेवक ने उत्साह के साथ यीशु मसीह के जी उठने के बारे में संदेश दिया। उसके जीवन के, उसके शक्ल से वो दुख पूरा हट गया। उसने अंत में प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद उसको फोन आया कि उसकी पत्नी जो है खतरे से बाहर है, सुरक्षित है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज भी पुनरुत्थान के सामर्थ्य को आपके जीवन में दे सकता है, आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने, जैसे हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1:18 में जैसे लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता। आज यीशु मसीह जिंदा है, वर्तमान में उसका सामर्थ्य हमारे लिए क्रियाशील है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग में गया है और हमारे लिए स्थान को बना रहा है।
हमें डरने की आवश्यकता नहीं, उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर भरोसा करना। पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 4:14-16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। परमेश्वर हमारा महायाजक, वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। जब हम परेशान होते हैं, हम समस्याओं के बीच में होते हैं, हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है, क्योंकि लिखा है वह सब बातों में हमारे समान परखा गया, हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। तो हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है। जब भी हमारी समस्याएं हमारे जीवन में ज्यादा विकार रूप ले लेती हैं, हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है। वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारा जो है महायाजक है, आज के दिन भी उसका हाथ हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है। यदि आज कोई बीमार है, निराश है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर निश्चय ही अपने हाथ को बढ़ाएगा, शिफा भरा हाथ आपके ऊपर आएगा और जो है आपको चंगाई देगा, और परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाता है कि हर एक मुश्किल से मुश्किल काम आप लोग कर सको। परमेश्वर वर्तमान में हमें आशीष दे सकता है, हालेलुया देगा, हालेलुया निश्चय ही देगा। तीसरी लाभ जो पुनरुत्थान से हमें मिलती है वो है, पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 15:20-21-22। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें मृत्यु के बाद जीवन मिलेगा, हालेलुया, हम मरेंगे, हमें मृत्यु के बाद फिर से परमेश्वर जिलाएगा और हमें अनंत तक रखेगा, अपने साथ रखेगा, हालेलुया। तीसरा लाभ यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें मिलता है कि हमें अनंत जीवन मिलता है, आश्वासन मिलता है कि हमें फिर से हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ होंगे। इसलिए हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हमें तीन लाभ परमेश्वर देता है अपने पुनरुत्थान के द्वारा। पहले हमें पापों की क्षमा मिलती है, दूसरा हमें सामर्थ्य मिलता है वर्तमान के जीवन के लिए, इन दिनों में परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरता है, उसके सामर्थ्य के द्वारा हम लोग सब काम कर सकते हैं, तीसरा हमें आश्वासन मिलता है कि हम भविष्य में जो है जी उठेंगे, हालेलुया। एक पासवान था जिसको परिवार वालों को उसे जो है दूसरे देश भेजना था, उसने अपने परिवार वालों को समुद्र के जरिए से नाव में बिठाकर उसने अपने परिवार को दूसरे देश भेज दिया और खुद जो है सेवकाई में लगा रहा। और उसके पास टेलीग्राम आया और वो कलीसिया में जाके उसने गवाही दी कि मेरा परिवार जो है गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। उसके बाद कलीसिया के आराधना के बाद विश्वासी भाइयों ने उस पासवान से बातचीत की कि परिवार वाले कैसे हैं, कैसे पहुंचे, तो उसने बताया कि वे जो है
स्वर्ग चले गए। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। हमारी जो है, हमारा अंतिम आशा जो है स्वर्ग में है, हमारा जीवन जो है इधर ही ख़त्म नहीं होगा, हम लोग जो है स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि मेरे परिवार वाले वाले जो है गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, और जो है अंत में जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा। तो हमारी भी आशा यही होनी चाहिए कि हम जो है स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। ये संसार का जीवन जो है स्थायी नहीं है, हम लोग स्वर्ग में हमेशा हमेशा जिएंगे। हालेलुया। तीन महत्वपूर्ण लाभ पुनरुत्थान के हमने सीखे। सबसे पहले हमारे पुराने पापों से क्षमा मिलती है, दूसरा हमें सामर्थ्य मिलता है वर्तमान जीवन में जीने के लिए, और तीसरा हमें भविष्य की जो है जीवन को परमेश्वर जो है अच्छा कर देता है, अनंत जीवन हमें देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को जो है हरा दिया और जो है उस पर जय पाई। हालेलुया। यही नहीं, वर्तमान में भी परमेश्वर ने हमें जयवंत जीवन देने का जो है आश्वासन दिया है। आज जो भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, पुनरुत्थान को, यीशु मसीह जी उठा है, इस बात पर विश्वास कीजिए और पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य को, लाभ को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। यीशु मसीह पे जब विश्वास करते हैं, वो हमें जो है हमें पाप की क्षमा देता है, अनंत जीवन देता है। इन दिनों में, इन वर्तमान जीवन जीने में, आज का जीवन जीने में हमें जो है सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, और भविष्य की चिंता हमें हमारे जीवन से दूर करता है। हालेलुया। हमें आनंदित रहकर जीवन बिताना है। हालेलुया। अब ईस्टर, पुनरुत्थान के बाद क्या? पुरानी कलीसिया में पुनरुत्थान मनाया जाता था, जी उठने को हम वे लोग मानते थे, मनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग जो है इन बातों को भूल गए और कम करने लगे। उनमें वो जो आग जो थी, जोश जो था, वो ख़त्म होने लगा। क्यों ख़त्म होने लगा? क्योंकि चेलेपन का पहचान ख़त्म हो गई, इसलिए जो है लोग जो है आलसी हो गए। दूसरा, झूठी शिक्षाओं उसमें प्रवेश हो गई। सुसमाचार में चेलों ने और जिन्होंने यीशु मसीह के संदेश को सुना, अपने कहानी उसमें घुसेड़ कर जो है उसको अलग शिक्षा दे दी, अलग पहचान दे दी। तो लोग जो है इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है ख़त्म हो गया। लेकिन हमें चाहिए कि हमें जो है इसको जागृत रखना है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जो है हमें जागृत रखना है। हमें जो है आलसपन को दूर करना है। हम पढ़ेंगे पहली यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 5 से लेकर पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा हवा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आलसपन से हमें दूर रहना है, हमें ईमानदार रहना है, सच्चा रहना है, हमें ज्योति में चलना है। यीशु मसीह अगम्य ज्योति में रहता है, उसके पास कोई अंधकार नहीं। हमें उसके अगुवाई में जीवन बिताना है। यदि हमने पाप किया है, तो तुरंत मान लेना है
जब हम अपने पापों को मान लेंगे तो हम एक दूसरे के साथ सहभागी होंगे, परमेश्वर के साथ सहभागी होंगे। यदि हम कहेंगे कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है तो हम लोग खुद धोखा अपने आप को देंगे और उसको झूठा कहेंगे, और ऐसा हमें नहीं करना है। हमें उसकी अगुवाई में जीवन बिताना है, ईमानदार रहना है। जब भी हम पाप करें तुरंत उसके पास आएं और अपने पापों की क्षमा मांगें। परमेश्वर निश्चय ही हमें अपने पापों से क्षमा करेगा। और इन दिनों में ईस्टर के बाद हमें ज्योति में चलना है, आत्मिक जीवन जीना है, पाप नहीं करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए। परमेश्वर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ये पुनरुत्थान के लाभ को परमेश्वर अपने जीवन में लागू कर सकें। अनुग्रह कर परमेश्वर, जो भी वचन हमने सुने हैं वो हमारे जीवन में अधिकाई से हम लागू कर सकें। हमारी मदद कर परमेश्वर। सुन रहे हरेक भाई बहन को परमेश्वर आशीष दे, पुनरुत्थान के सामर्थ से भर दे परमेश्वर। हरेक भाई बहन जान जाए कि पुनरुत्थान क्या है और उससे हमें क्या फायदे हैं, वो हमारे जीवन में लागू कर सकें, ऐसा तो अनुग्रह कर परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं तेरे अनुग्रह का हाथ हरेक भाई बहन के ऊपर आए परमेश्वर। सबको स्पर्श कर, जो बीमार है उसको चंगाई दे, सबकी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। आत्मिक जागृति को लेकर आ परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे, तेरे राज्य के विस्तार में परमेश्वर हम लोग काम करने वाले हो सकें, तेरी महिमा कर सकें अपने जीवन से, तू ऐसा कर। सबको आशीष दे, सबकी जरूरतों को पूरा कर। इस वक्त प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा उपस्थिति हरेक के घरों में होने पाए परमेश्वर। ऑनलाइन से जुड़े हरेक भाई बहन को परमेश्वर तू स्पर्श कर परमेश्वर। बीमारियों को परमेश्वर तू वचन भेज कर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तूने कोड़े खाए ताकि हम लोग चंगे रह सकें परमेश्वर। सबको छू और चंगाई दे परमेश्वर, सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।